यू कम टू और मुझे सुनने के लिए जो आपने तकलीफ ली उस बदल आभार, उस बदल आभार। अभी जनरली पहला मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन दे दूँ, मैं बॉर्न सेटर हूँ और दूसरा फिजिक एक फिटनेस ट्रेनर हूँ। तो अभी आज का हमारा सब्जेक्ट है सर्वाइकल बैकएक और नी पेन। तो अभी सबसे पहले ये आता क्यों है उसके बारे में सोचिए। तो सबसे पहले आने का वजह होता है ये जो तीनों बीमारी होती है 80% हमारा रॉन्ग बैठने का, उठने का, सोने का, चलने का सब तरीका है 80% इसके अंदर। जैसे बैक है, आप वन साइड से काम करते हो, एक जैसे सर्वाइकल है तो होने का वजह होता है कि एक हैंड से काम करते हो, दूसरा हैंड को आप पीछे नहीं लेके जाते हो, दूसरे हैंड से कुछ भी काम नहीं होता है, लेफ्ट हैंड कुछ नहीं होता है, राइट हैंड ज़्यादा होता है। तो ये साइड के मसल्स लूज हो जाते हैं, ये साइड के मसल्स टाइट हो जाते हैं। सो ये पार्ट में ऐसे टाइट होने की वजह से सर्वाइकल ज़्यादातर आता है। जैसे जैसे हमारे को नी नेक का पेन शुरू होता है मूवमेंट करने में, उतना वैसे वैसे हम थोड़ा 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 करके कम करते जाते हैं, और जितनी उसकी मूवमेंट हम कम देते हैं उतना वो भाग में स्टीफनेस और सूजन वो जैसे जैसे बढ़ती जाती है नेक आती है। उसके बाद में यहाँ से जो सर्वाइकल में से C3, C4, C5 से जो आर्म्स की जो नस जाती है वो जैसे स्टीफ हो जाती है, इसके लिए आर्म्स में अपने को नमनेस आती है, टिंगलिंग आती है, मुंगियाँ आती है, जो भी समझो वही सब शुरुआत होता है। पर बेसिकली फंडामेंटल क्या होता है कि नेक का जो हम लोग जो ले रहे हैं, दूसरा एक मोस्टली ओल्ड पीपल जो रहते हैं उनका ज़्यादा पिलो रखने का ऊंचा, 2-3 पिलो रख के सोते हैं वो रहता है। थर्ड इज एक ही साइड के ऊपर आई साइड, जैसे ड्राइवर ने ये सब लोग रहते हैं एक ही साइड देखते हैं, अदर साइड नहीं देते आई बेल। और फोर्थ इज द कंप्यूटर नॉन स्टॉप, जैसा आप ड्राइविंग कर रहे हो वैसा ही कंप्यूटर के ऊपर बैठने से, ये होता है नेक का रीजन मेन। सेकंड उसके बाद में हम जो चेयर में बैठते हैं, कभी भी चेयर में हम बैक सपोर्ट नहीं लेते हैं, और चेयर भी हमारी बड़ी रहती है, बैक सपोर्ट न लेने की वजह से ये स्टमक का जो बेली का पार्ट है वो आगे आ जाता है। जैसे जैसे आगे आना शुरू होता है ये पोस्चर ऐसे टेढ़ा क्रॉस होते जाता है, जैसे जैसे क्रॉस होते जाता है आदमी रात को सोने से नींद कम होना शुरू हो जाती है। पहले सबसे पहले नींद कम शुरू होती है, सेकंड काम करने का जो इच्छा होती है कम होती है, हाथ को पीछे लेके जाना और ज़्यादा मुसीबत शुरू होती है इस थर्ड, और उसके बाद में होता है लोअर बैक शुरुआत। ये सब पहले आता है 30 से 40, 45 तक, 50 तक पहले सर्वाइकल होता है। फिर सेकंड जो हम लोग जो ये ऐसे क्रॉस बैठते हैं एकदम, चाहे पीछे पिलो दो के कुछ भी दो, स्ट्रेट नहीं बैठते हैं, तो उसकी वजह से जो ये बेली का पार्ट जैसे आता है वैसा वैसा ये पार्ट स्टीप होते जाता है, ये इधर आ जाता है। चेंज ऑफ पोस्चर होने की वजह से लोअर बैक पेन आता है, और थर्ड आता है उसके बाद में लोअर बैक पेन के बाद में नी। नी आने की वजह होती है हम लोग नी का कभी बेंडिंग करके ऐसे झुकते नहीं हैं, जो भी हम ऐसे लेते हैं तो ये साइड के जो नी के जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं। वन अभी सेकंड इसके अंदर जैसे रीजन होता है कि जैसे हम क्रॉस ऑफ द 40 करते हैं उसके बाद में मेजोरिटी पेशेंट में हम देखा जाता है तो उनके मसल्स जेंट्स रहते हैं, उसके स्टीप मसल्स स्टीप हो जाते हैं और लेडीज के मसल्स लूज हो जाते हैं। अभी जैसे जैसे विटामिन कम होएगा वैसे वैसे मसल्स लूज होते जाते हैं। तो सुबह उठ के जो आप लोग जो वॉक लेते हैं, अगर आपकी शुगर लेस है, चक्कर आना आता है, होता है ये होता है, तो
हम लोग पानी पी के खाली वॉक लेने को जाते हैं, अगर जिसकी शुगर लेस हो जाती है जो भी होता है, अगर वो चाय सुबह उठ के पी के निकले, दूध कॉफ़ी हो, तो उसको ये सब प्रॉब्लम जो नमनेस है, टिंगलिंग है, ये है, ये जो पैरों में ही है, सब उसका एकदम कम हो जाता है मात्रा। थर्ड, आपको बहुत ज़्यादा एसिड है और आप एसिडिटी से सफ़र कर रहे हो, तो सिंपल थियरी अवॉइड फॉर जो बोलते हैं ना कि सबसे पहले तो तला हुआ मिर्ची ये, पर उसको फास्ट रखना कोई भी चीज़ में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। जितना वो फास्ट ज़्यादा रखेगा इतना शरीर में एसिड बढ़ेगा। थर्ड इज स्लीपिंग। जितनी भगवान ने जो शरीर के हमारी शरीर में सारी हड्डियाँ अलग अलग है, मसल्स उसको जोड़ के रखा है, जैसे मसल्स वीक होते हैं वैसे वैसे हड्डियाँ आगे पीछे होती है, तो ईश्वर ने उसके लिए हमारे को रात को 7 से 8 घंटा सोने के लिए नींद रखा है। जैसे नींद आती है तो जैसे हम लोग देखते हैं कि रात को अगर सोते हैं तभी पेन होता है हमारे को, आड़ा टेढ़ा सोते हैं, सुबह उठते हैं तो एकदम फ्रेश होकर उठते हैं। तो एक ईश्वर का एक नियम है, जो चीज़ आगे पीछे जो भी हो, जरा भी कुछ भी गड़बड़ी होगी, कुछ भी होगी मसल्स में, बोन में ही होगी, तो सुबह उठ के ऑन द स्पॉट जब नींद पूरी होती है, सूजन हट जाती है सब, वैसे ही वो पोस्चर सीधा हो जाता है। जब पोस्चर सीधा ना होने की वजह का कारण हम लोग बोलते हैं कि कई लोगों को देखते हैं हम लोग 40-45 एक पैर में, कोई बोलता है कि साइटिका है हमारे को। अभी देखा जाए तो साइटिका का सबसे बड़ा रीजन चेंज ऑफ पोस्चर। अभी आपका जैसा ही गला है, आप ऐसे ही खींच रहे हो, दूसरे हाथ को नहीं कर रहे हो, तो ये पोस्चर चेंज होएगा, ये साइड वापरा नहीं है, ये साइड का मसल्स आपका लूज रहेगा, ये साइड का आपका टाइट रहेगा। थर्ड इज हम लोग सबसे पहले देखा जाता है जितने ट्यूटर्स हैं, टीचर्स हैं, उन सबको फ्रोजन शोल्डर होता है, तो फ्रोजन शोल्डर होने की वजह सबसे बड़ी में बड़ी उनका हाथ खाली वन साइड यूज़ करना, जैसे लिखते हैं तो ये हाथ ऐसे लिखते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं, नेक को ऐसे लिखते हैं ऐसे, तो ये साइड के मसल्स नेक के स्टिफ हो जाने की वजह से उनको फ्रोजन शोल्डर आता है। तो हर एक का हम जैसे देखा जाए तो हम हर एक चीज़ में एक्सरे MRI सब लोग निकालते हैं, देखते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, थक के हार के फिर छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले अभी क्योर होने की सिस्टम, तो पहले तो सुबह उठ के चाय पानी पी के फ्री हैंड एक्सरसाइज या एक आधा घंटा आपको वॉक लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैक पेन से किसी भी चीज़ से सफ़र कर रहे हो, नहीं से कर रहे हो, चाय पानी पीने का है, नाश्ता कुछ थोड़ा सा खा लेने का, उसके बाद में हल्का वॉक, और जैसे कमर खींचने लग गई आप बैठ जाओ। अगर उसी में भी आपके अगर मसल्स काफ़ी लूज है तो कमर का बेल्ट और घुटने भी आपके बहुत ज़्यादा ये घूम के बाद में पेन आता है, तो घुटनों के बेल्ट पहन के चलना, उससे क्या होता है कि दो हड्डी जो घिस रही है उसके नीचे जो नर्व्स आ रही है, प्रेस हो रही है, वो बचेगा, तो उससे ही आपका पेन कंट्रोल हो जाएगा। पेन कंट्रोल करने की थियोरी इंसान ने, भगवान ने सबको अपने आप में इंडिविजुअल दी है, उसमें कोई भी डॉक्टर, वो बोलते हैं ना कि जब तक आदमी अज्ञानी होता है तब तक भगवान रहता है, जैसे ज्ञानी हो जाता है भगवान चला जाता है, एक कॉमन थियरी है। कि आप देखो ये जो मजदूर लोग हैं, मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, वो लोग बहुत हाथ का यूज़ करते हैं, हाथ थक जाते हैं उनके, तो ये देखना हाथ को रिलैक्स करने के लिए ये ऐसे खींच गया है तो ये ऐसे ही सोएंगे, ये मजदूर लोग ऐसे ही सोएंगे, तो ये क्या हो गया, उनका हाथ का ये मसल्स इतना स्टीप हो जाता है आगे कर करके, उनको पीछे रिलैक्स लेने का है, तो ये ऐसे सो के ऐसे नींद करके ऐसे सो जाते हैं। तो ईश्वर बोले तो क्या है, अभी वो अज्ञानी है तब तक उनको ईश्वर है जैसा आदमी ज्ञानी बनता है ईश्वर चला जाता है
तो जब तक आपको किसी भी चीज का पता नहीं है तो भगवान आपके साथ चलेगा, ईश्वर चलने वाला है। जैसे आपको पता लग गया ईश्वर हट जाता है बाजू में, वो बोलते हैं अभी मैं दूसरे को देख लेता हूँ। एक कॉमन थियरी है, मैंने खाली मजूर का एक सैंपल लिया है। अभी हम देखा जाए तो बीमारी दो तरह से होती है। शुरुआत सब बोलते हैं कि मेंटल मेंटल मेंटल, पर मेगा सिटी में बोले तो मेंटल स्ट्रेस हम खाली एक बहाना है, उसको मेंटल स्ट्रेस नहीं बोला जाता है। हम लोग एक क्या बोलते हैं, एक अपनी भाषा में वो एक बोलता है तो दूसरा उसके बाद में वो पीछे एक बकरी के बैंक करता है, वैसे करता है। मेंटल स्ट्रेस किसको बोला जाता है गिना जाए तो जो चीज़ अपने पास है नहीं वो उसके बारे में हम सोचे उसको बोला जाता है। जो चीज़ हमारे पास है नहीं और उसकी हम कल्पना करें और उसके पीछे रात दिन दौड़े उसको बोलता है मेंटल स्ट्रेस। ब्रेन को कुछ असर होता है, बाकी तो रूटीन काम है। आप आओगे जैसे पेपर खोलोगे ऑटोमेटिक पेन निकलेगी, आपका लिखना शुरू हो जाता है। मेंटल काम अपने आप ही होता है, हमारे को कुछ करने का ही नहीं है क्योंकि डेली रूटीन है। जैसा वो बाई रोटी मिलती है तो वैसे ऑटोमेटिक गोल सेप चले जाता है, किससे बात करें, वैसा हर एक काम अपने आप ही होता है। पर हम लोगों ने क्या एक बहाना बना लिया है माइंड के अंदर, पर हाय ऐसा नहीं समझिएगा आप मेंटल स्ट्रेस है। जैसे हम लोग कई काफ़ी छोटे सिटी में जाते हैं तो वहाँ उनको हवा पानी कोई चीज़ का तकलीफ नहीं है, प्योर ऑक्सीजन है सब कुछ है, फिर भी वो बीमार क्या है। हाय खुली हवा है, खुला सब कुछ है, फिर भी बीमार है क्यों? तो उनके अंदर एक ही रहता है, उधर बोला जाता है कि मेंटल स्ट्रेस। कि हम बॉम्बे जाते थे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना लेते थे, इधर गांव में जिंदगी निकाल दिया यहाँ चल रहा है। उसको बोला जाता है जो चीज है उसका आनंद नहीं उठाया और ऊपर से दौड़ने लग गया, उसको हम बोलते हैं कि मेंटल स्ट्रेस। अभी आप लोग हैं तो ये शहर में स्वस्थ रहने का है तो ब्रिटिश लोगों ने सैटरडे संडे आपको रचा दे दिया हॉलीडे। मीन्स आप गांव से थोड़ा प्योर हवा खा के आ जाओ। अभी जितनी आपकी कैपेसिटी हो आजू बाजू में कहीं भी एक रखने का, कि बहुत लंबा ट्रैवलिंग भी नहीं करना, उसके ऊपर है। अभी ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम कैसे आता है मैंने बताया। अभी आप पहले बोलो तो मैं बैक पेन बताऊं या सर्वाइकल कैसे एक्सरसाइज है, किसकी आप बोलो उसका एक्सरसाइज बताऊं। पहले आपको क्या तकलीफ होता है वो बताइए। हाँ सबसे पहले हम हाथ की एक्सरसाइज बताएं, तो आप यहाँ आ जाइए। हाँ बैठे, हाँ आप तीनों मेरे साथ कीजिए आप। हाँ तो पाचल रख दिया नहीं वहाँ तो रखते। हाँ तो अंकल आप इधर आ जाइए थोड़ा सा, नहीं नहीं थोड़ा चेहरा ऐसे ले लीजिए ना। हाँ 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 बस फिर आपको दिखेगा नहीं, इधर ले लीजिए। नहीं नहीं इधर थोड़ा सा, यू बेटर टू वे यू सीट हियर, तो उन्हीं के तुरंत सरखी बताए सर। हाँ बेटर टू वे है ना। अभी ये फर्स्ट, ये अभी आप बहुत ध्यान से देखिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है सर। और ये मैं तीन एक्सरसाइज बता रहा हूँ आपको, अगर आप तीन करोगे तो 80 साल तक तीन एक्सरसाइज के अंदर ही 100% क्योर है। जो छोटे छोटे जितनी भी हमारे को जो प्रॉब्लम होता है, एक सर्वाइकल थे, एक लोअर बैक और नी, एकदम इजी है। सबसे पहले बड़ी चेयर लेना बंद कर दीजिएगा, सेकंड ऐसे क्रॉस बैठना बंद कर दीजिएगा जितना हो सके इतना बाइट, और हो सके तो ऑफिस की चेयर विदाउट हैंडल की रखिए, और उसमें भी हो सके तो ये सबसे छोटा बेस, जितना छोटा बेस होएगा आपको डर लगेगा कि गिर जाएंगे तो आप ऐसे करके बैठेंगे, जितना बड़ा बेस होएगा इतना आप ऐसे बैठेंगे।
तो फर्स्ट पोस्चर चेंज होने का वजह चेयर है। एक अभी काफ़ी ध्यान से देखिए, आपको बहुत इजी है, पर ये आप यू आर क्रॉसिंग द 40, आप विदाउट सपोर्ट कोई भी एक्सरसाइज मत कीजिए। अगर आप करना ऐसे हाथ ऊंचा करके करते रहेंगे तो ये पोस्चर खराब होएगा और ये अंदर जाएगा लोअर का, और उसके बाद नहीं पहना है। अभी इसको हाथ को खाली सीधा ऐसा एकदम अंकल ऐसा, हाँ, और मुंह आपको जैसा ठीक लगे, चाहे बंद रखिए, नाक से श्वास छोड़िए, चाहे हाथ मुंह से छोड़िए, श्वास का कोई कंडीशन नहीं है इसमें। ये आस्ते करके आस्ते, ये खाली सीधा रहना चाहिए, देखिए ये, हाँ, जितना भले ये पूरा जाए ना जाए उसका कोई कंडीशन नहीं है आपने, आया ना? ये हाथ मेरा देख लीजिए, ये सीधा ऐसे जाना चाहिए बस, जितना जाए इतना, भले वो कम जाए उसका कोई लेना देना नहीं। अंकल टाइट करके रखिए, टाइट, पूरा टाइट नहीं है, टाइट नहीं, हाथ ऐसा, हाँ, भले कम जाए, हाँ हाँ देखो, हाँ बस, हाँ आस्ते आस्ते देखिए, वन, हाँ देखो अभी, हाँ अभी हम शुरू करते हैं वन से, हाँ आप देख लिया एंगल, ये देखिए जितना ये टाइट करेंगे, ये जो हमारे इसके अंदर ये जो बाइसेप ट्राइसेप है, इसके अंदर सर्कुलेशन एक जगह पे ऊपर ऐसे रहने की वजह से एक जगह कम हो जाता है, एक जगह ज़्यादा हो जाता है, तो एकदम परफेक्ट वे से आएगा। ये देखिए ये जितना खींच के रखेंगे और पीठ लेके, जब भी हमें फुर्सत मिले चेयर के ऊपर 8, 10, 10, 10, 12, 10, 15, 10, 15 दिन में करते रहेंगे तो ये हमारा 100-150 दिन भर में हो जाएगा। तो उससे क्या होएगा, ये जो पोस्चर हमारा टाइट हो रहा है एकदम फ्री हो जाएगा। ये फ्री होने से एक तो नींद बढ़ेगी, हाथ का आर्मपिट के मसल सबके ढीले हो जाते हैं, ये नीचे ये सारे जितने टाइट होते जाएंगे, सर्वाइकल, इसके अंदर ये पोस्चर, बेली, सब पट्टा इसमें आया। सबसे पहला खराब होता है ये पोस्चर, वापरते इसको यूज़ नहीं करते हैं, इसको अनलिमिटेड यूज़ करते हैं। अनलिमिटेड में भी ये खाली हाथ ऐसे वाली वापरते हैं टेबल के ऊपर, आज के टमाने ये हाथ का हमारा यूज़ नहीं है। तो वन साइड जितना मसल्स को ज़्यादा वापरो वो लूज हो जाते हैं, और जितना मसल्स को कम वापरो टाइट हो जाते हैं। सिंपल थियरी है। दर्द की व्याख्या बोले तो क्या कि शरीर में हड्डियाँ छुट्टी है, मसल्स पकड़ के रखा है, जैसा मसल्स टाइट हो गया और हम सडन बेंड करेंगे तो मसल को खींच जाएगा, डॉक्टर बोलेगा स्पाजम आ गया कि जो भी है, और जैसे ढीला मसल्स है वो उसको जगह के ऊपर पकड़ के रखना चाहिए, वो पकड़ेगा नहीं जैसा तो भी वो नर्व्स उसके नीचे दबने वाले। पेन की व्याख्या और कोई बड़ी हाई नहीं। मुझे अभी एक गांधीधाम से एक फोन आया था, पहचान में से, तो बोले डॉक्टर ने मुझे दोनों घुटने का ऑपरेशन का बोल दिया है, सब राजकोट इधर सब जगह। मैंने खाली उसको एक ही सवाल क्वेश्चन पूछा कि पेन किलर खा के तेरे दर्द में रात मिलती है, तो बोलती है 12 घंटा तक मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है। मतलब कुछ नहीं, सर्जरी की जरूरत नहीं, बॉम्बे आ जा, मैं एक्सरसाइज बता देता हूँ। तो ऐसे अनलिमिटेड केस है कि सर्जरी कराना चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि सर्जरी रॉन्ग है, नहीं, ईच एंड एवरी चीज राइट है, पर कौन से टाइम पे क्या होना चाहिए वो आपको डिसीजन लेने का है, पहले आपको नक्की करना है, उसके बाद में डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपके पास धीरज नहीं होगी तो डॉक्टर तो एक ही मिनट में बोल देगा कि सर्जरी करा लो, पीड़ा से मुक्ति हो जाओ। हर एक लोग डॉक्टर को गलत बोलते हैं, डॉक्टर गलत नहीं होता है, मगर हम उसको गलत कर देते हैं। जैसे हमारे में है, मैंने एक 75-year-old लेडी जिसकी तीनों सर्जरी थी, घुटना बिल्कुल चल नहीं सकता था, कभी आएंगे तो मैं सेमिनार में बुला लूँगा इसको, आज 1.5 साल के अंदर खाली एक्सरसाइज से घुटने ये सब कुछ और बोरी है, अनलिमिटेड एक्सरसाइज हो करके सब कुछ करके पूरी सिद्धि होके डांस करती है। और 100% मैं बता के देता हूँ किसको भी
मेरे पास एक बाण गंगा से पेशेंट आते थे, वो बाण गंगा से वो ऊपर आने के लिए सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते थे, वो टैक्सी में से ऊपर आते थे, आज वो सब सीढ़ियाँ चढ़ के आ रहे हैं। कोई भी उसको बोल देंगे, होटल वाले हैं बजरंग बली वाले, और वो बोलते हैं सब लोग उसको कि कैसे, तो उसको पेशेंट को एक ही बात बोलता हूँ, सब लोग बोलते हैं कि आप ऐसे हड्डी बिठा दो ठीक हो जाए, तो हम लोग बोलते हैं कि बिना आटा गूंदे रोटी बेल सकोगे क्या आप सूखे आटे की रोटी? तो प्रेजेंट में क्या होता है, लोग सूखे आटे की रोटी बनाना चाहते हैं, तो ये आटा गूंदना बोले तो एक्सरसाइज है, उसको जितना बताए धीरज है, ये है वो है, वो जितना रखते जाए तो आज एक साल के अंदर वो आदमी जितना झुक रहा है, बेंड हो रहा है सब जगह से, आज वो एक्सरे निकालता है डॉक्टर बोलते हैं उसको अभी तुम्हारे को कोई सर्जरी वर्जरी की जरूरत नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि डॉक्टर काटने को बैठते हैं, पर डॉक्टर पहले आपको वो भी एडवाइस देता है कि देखिए थोड़ी एक्सरसाइज करो, ये करो वो करो, आप वो बोले उससे पहले ही हम लोग देख लेते हैं नहीं वो मैंने सब कुछ कर दिया, वो करती हूँ तब तक ठीक रहता है, तो आप जो सांस ले रहे हो वो भी तो एक हार्ट की एक्सरसाइज है, वही बंद कर दो तो क्या होएगा, बंद हो जाएगा कि नहीं हार्ट? आप हर एक चीज़ को बिना मेहनत करके, ये हम गुजराती लोग हैं, हम मेजोरिटी हम लोग बहुत बोल लेते हैं कि अगर जैन है ये है एक्चुअली बेसिकली गिना जाए तो दो के ऊपर हॉस्पिटल चलती है और मेजोरिटी गुजरातियों पे चलती है, क्योंकि गुजराती लोग हैं हम लोग, खराब मत लगाइए आप में से गुजराती मारवाड़ी, हम लोग एक्सरसाइज करते नहीं, हम दो मिनट के अंदर सबको बता लेते हैं कि कौन से टाइम पे एक्सरसाइज करेंगे, ये इतना टाइम होता ही होता है, तो लेडी से बोल लेती है कि हम घर में इतना चलते हैं वो चलते हैं, वो एक्सरसाइज नहीं है क्या, बच्चों को दो बार लाया ये लाया वो लाया वो लाया, एक्सरसाइज नहीं है, आपको दो मिनट में बता देंगे कि ये सब एक्सरसाइज ही है। आप जो घर में सब कुछ काम में जो एक्सरसाइज कर रहे हो, आप मुझे बोलो कि आपको एक गाड़ी दिया है वो 7 साल की गारंटी दिया है, अगर उसको रोज भिंडी बाजार और बुलेश्वर में चलाओगे तो 7 साल की गाड़ी कितना साल तक चलेगी बोलो आप, बराबर? क्योंकि फर्स्ट गेयर यूज नहीं होगा, वैसा ही जो आपकी घर की एक्सरसाइज है, पैर थोड़ा सा स्पीड तो पकड़ना चाहिए, वो तो स्पीड ही नहीं पकड़ेगा, वो नहीं हूँ साग मार्केट में जाऊँ आमा जाऊँ, वो चल सकते हो, आपका पैर उठता है कभी, उठे नहीं उससे पहले आपको रुकने का है, तो एक्सरसाइज जो है भले आप आधा घंटा चलो, एक फ्री वॉक चलो, और जब फ्री वॉक चलो उसमें किससे बातचीत नहीं करने का, बातचीत करने से लंग्स में ज़्यादा ये हार्ट में इसमें सब में तकलीफ होती है, ब्लड का फ्लो का इसका, तो आप सबसे ज़्यादा पहले फ्री वॉक लो, फ्री वॉक मीन्स भले आधा घंटा आपके पास टाइम है, ऐसा नहीं है कि आप एक घंटा ही चलना चाहिए कि 45 मिनट और तो जो नहीं। सेकंड, अभी हम आए लोअर बैक के ऊपर, अभी ये जो लोअर बैक है, हम कभी सब लोग ऐसे झुक के बोलते हैं डॉक्टर उठा लेगा, वो भी राइट है, जितने आपको डॉक्टर बोलते हैं कि ऐसे सामान उठाओ राइट, पर हमारी जितनी टेक्स्ट बुक है सब कुछ जो चल रही है वो इंडियन पीपल से नहीं लिखा हुआ है, वो सब यूरोपियन पीपल से लिखा है, उनके मसल्स इतने टाइट रहते हैं, वो बेंड होएंगे तो मसल खींच जाएगा, इसलिए उनको बैक पेन का ही देना है। हम इंडियन पीपल है 84-85 तक हम लोग खेडूत को देखते हैं काम करने वाला सितकरी, तो सबसे ज़्यादा स्पाइनल और पोस्चर ठीक किसका रह सकता है जो लेबर वर्क करता है, लेबर वर्क के अंदर कौन सा, जैसे खेती का काम करने वाला है, उसके बाद में सेकंड ये नीचे से हाथ गाड़ी वाला है, बिल्डिंग का मटेरियल का काम करने वाला है, लेने वाला ये मजदूर है, खाली उतने लोग ही
फिजिकल फिट रख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग कितना भी सोचें, हम कितना भी करें, हम एक ठीक है, हम ख्वाब में चले रहते हैं कि हम फिट हैं, पर फिट नहीं रह सकते। हम लंग्स की कितनी भी एक्सरसाइज करें, लंग्स हमारा ओपन नहीं होता है। लंग्स जो ओपन होता है ये पार्ट को बेंड करने से, ये और ये पार्ट बेंड कौन कर सकता है, एक काम करने से। ये पार्ट कौन, ये जितना नीचे से ऐसे सामान उठाता है, सुनो जवाब नहीं दे क्या रहे, सुनो ओमकार तो तकलीफ है। अभी ये लोअर बैक की है, तो सबसे पहले उसको हाथ को ऐसा सपोर्ट देने, ओहो यहाँ सब पड़ा था मैं देखा नहीं, ये देखिए हाथ को, हाँ पहले थोड़ा दिन ये देखिए बैठ के करने का है, चेयर के ऊपर आप बैठ गए, आस्ते आस्ते धीरे से, हाँ पैर हो सके इतना वाइड कीजिए, पेट को अंदर लीजिए और स्लोली, मुझे पहले देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, सांस छोड़ते जाइए, आइए हाँ करिए, हाँ नहीं सांस लेने का नहीं है, खाली निकालने का ही है आपको, पेट अंदर लेके आस्ते 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 ठीक कर दिया, हाँ मुंह ओपन रखिए तो थाक नहीं लगेगा, हाँ जितना ओपन रखेंगे थाक नहीं लगेगा आपको, हाँ अभी इसमें इसी में ही लोअर बैक की दूसरी एक्सरसाइज है, पैर आपको मुझे देख लीजिए कैसे खड़ा हूँ, ये खड़े रह के पीछे सपोर्ट लेने का है, यही आप सपोर्ट के बिना करेंगे तो पहले स्टार्टिंग करेंगे तो खींच जाएगा, और हाथ को जितना हो सके ऐसे करके पीछे लेने का, ये देखिए आए ख्याल में, और ये देखिए ये आप मैं बता रहा हूँ खाली आप देखिए, उसके बाद में मैं आपको एक एक कर, ये देखिए अभी लोग बोलते हैं डायरेक्ट ऐसे करने से, ये झुकने से आपका पेट बाहर आ जाएगा, ये झुकने से ऐसे करने से स्टमक आपका अंदर जाएगा और पीछे की मसल्स लूज होंगे, ये जो टाइट है ये देखिए, एक एक आई मैं आपको कराता हूँ, हाँ हाथ ऐसे, हाँ थोड़ा आगे और आगे आइए और आगे आइए, हरकत और आगे आइए, हाँ हाँ अभी इसको टच कर लीजिए हिप्स को, हाँ सही तो थोड़ा और आगे आ सके, हाँ बस हाँ हाँ हिप को टच, हाँ आस्ते आस्ते जितना स्लोली जाएंगे इतना ज़्यादा फायदा होगा, जितना स्लोली जाएंगे देखिए बस, पाँच दस कितना, खाली भरे पेट नहीं, खाली पेट में कभी भी करते रहो कुछ भी नहीं आएगा, आई करता हूँ ऐसा ऐसा, ये सपोर्ट रहेगा उसको, ये इसको सपोर्ट रहेगा तो कभी मसल्स खींचेगा नहीं, आया नहीं ख्याल, हाँ हाँ ये कमर ऐसे, हाँ दबा दीजिए, नहीं हिप्स को लगा दीजिए, नहीं नहीं इसको टच कर दीजिए दीवार में, हाँ अभी हाथ ऊँचा, हाँ अभी झुकिए आस्ते 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 आस्ते, जितना धीरे धीरे जितना धीरे धीरे, हाँ पाँच दस बस, आए ना ख्याल, हाँ आइए, ये मेन क्या होएगा, जितना हाथ ऊंचा होएगा अपना ये आएगा ना सपोर्ट पड़े रहेगा, होगा हाँ एटलीस्ट, हाँ कौन से अच्छा, हाँ हाँ आइए, हाँ सांस लेना छोड़ना कुछ नहीं है, मुंह खाली खुला रखना है,
सांस आपको पैक करके रखना है, कुछ भी नहीं करना, सांस के ऊपर आप देखो ही मत। हाँ, मुंह खुला रख खाली। मुंह खुला रखो, जितना खुला रखेंगे, जितना खुला रखेंगे इतना ये हवा निकले और ज्यादा फ्री होके जाओगे आप। हाँ हाँ, अभी इससे क्या होएगा कि लोअर बैक में से जितनी भी चीजें हैं, ज्यादातर आप पानी पिएंगे ज्यादा, उसके साथ अगर करना शुरू करेंगे, पहले कॉन्स्टिपेशन है, वायु है, एयर है, सब कुछ इसके अंदर ही क्योर है। पर ये कितना करना चाहिए, जब भी आपको थाक लगे, अभी बैठे हैं एक दो घंटे में खाली पेट बैठे हैं, तो पाँच दस करते रहेंगे, तो जो कंटिन्यू एज के हिसाब से जो मसल्स स्टीफ होते हैं वो स्टीफ होना बंद हो जाएगा। एक ही साइड में जो हम काम कर रहे हैं मसल्स स्टीफ हो रहा है, तो हर घंटे में दो पाँच ऐसे करते रहेंगे तो न मसल्स को कुछ वीक होएगा न कुछ भी होएगा, और ऊपर से हम फिजिकल फिट रहेंगे। ये दो हो गया। अब तीसरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये घुटनों की एक्सरसाइज है, और ये इसको कुछ नहीं करने का है। देखिए ये पैर है आपका, इसको ऐसे लेने का है, हाथ सपोर्ट लेके, सबसे अच्छा पहले थोड़ा दिन सपोर्ट लीजिए। बस खाली खड़ा है, थोड़ा टाइम ये पैर, थोड़ा टाइम ये पैर, यहाँ खींचा हुआ ना चाहिए भाई, फिर मैं हाइट बढ़ा दूँ, नहीं तो हाइट बढ़ा दूँ, किसी को भी नहीं आ रहा है। तो पहले आप खड़े रहिए, कितने आता है, एक के ऊपर एक। आइए, हाँ रखिए, खींच रहा है, खींच रहा है, ये ऐसे नीचे जा रहा है, खींच रहा है पेन। हाँ, ये हाइट आपकी ठीक है, ये जितना रखेंगे थोड़ा ही, हाँ करिए। हाँ, ऑटोमेटिक घुटने का जो शेप है अभी वो चेंज हो गया, वो जगह पे आ जाएगा, आया ना ख्याल। फिर अगर नहीं खींच रहा है तो और हाइट बढ़ाने का है, जैसे नहीं आपको बता रहा हूँ, ये देखो और ज्यादा बड़ा ना पेन। एक सेकंड देखिए, और खींचा, हाँ खींच रहा है नीचे से, हैं ये देखिए, हाँ करिए, हाँ आए ख्याल में। ये जितना करते जाएंगे घुटने ऑटोमेटिक फ्री होते जाएंगे, पर इसका ड्यूरेशन है 3-4 महीने में नीचे तक, ये जब भी जैसे इधर तक खींचना ही बंद हो गया 80% घुटना पूरा फ्री हो गया। ठीक है, पीछे ऐसा हाथ रखने का नहीं, वो पीछे दिया ना सपोर्ट आपको, थोड़ा टाइम तो सबको सपोर्ट, दीवार का किसी भी चीज़ में नहीं सपोर्ट चाहिए, किसी को भी क्यों, एक रखोगे तीन रखोगे, हाँ चल, हाँ ये थोड़ा पीछे ले लेना, जितना पीछे लेंगे ज़्यादा खींचेगा, ये लिया कम खींचेगा, आए कि नहीं ख्याल, एक कम खींच रहे नीचे, हाँ ये स्ट्रेच आना चाहिए। पर पीछे सपोर्ट काहे के लिए, थोड़ा टाइम 3-4 महीना आप लेंगे, जितना लेते जाएंगे तो पीछे सपोर्ट की वजह से क्या होएगा कि आपका जो पोस्चर है और ज़्यादा सीधा होते जाएगा, और ये मसल्स किधर भी आपका आड़ा टेढ़ा नहीं आएगा, इसलिए बैक सर। आइए दूसरा लीजिए, दूसरा पैर लीजिए, एक मिनट। आया, आइए अंकल, हाँ रखिए पैर रख दीजिए, हाँ पंखुल, एक पैर ऊपर रखने का ना आपको, हाँ 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 देखो खींच रहा है नीचे, बस ये कितना भी टाइम पकड़ के रखो, आपसे जितने पकड़े आधी मिनट एक मिनट जो पकड़ने का आपको पकड़ो, ये जो बेंड होता है इधर तो उसको सीधा करने का, बस वो नीचे जाना चाहिए,
घुटना ऐसे सबका ऐसे रहता है, उसके बदले ऐसे चाहिए बस। जितना टाइम पकड़ने का आपको, ऐसे कुछ नहीं है, आप चाहे इतना ऊपर ले जा सकते हो, आपके आपके ऊपर है। अभी आप है इसके ऊपर भी रखोगे अभी ज्यादा खींचे इसके ऊपर, देखिए और ज्यादा खींचा। हाँ नहीं वो हाइट एंड इतना तक आना चाहिए, हमारी जो लेवल है ये लेवल तक आ गया, 80% घुटना कमर सब फ्री हो गया, कमर पैर में नमनेस, पैर में जलन, बर्निंग सेंसेशन, लाइट पैर का, जितनी भी नावेल के नीचे का हिस्सा है, इवन ऑल्सो प्रोस्टेट में 70-80% चेंज हो गया, सब में अस्ते अस्ते ईच एंड एवरी। ये तीन हिस्से की तीन ही एक्सरसाइज है, वो ये जो पूरी जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ लेबर लोग जो कर रहे हैं, और वो आप देख रहे हो कि 85 तक कोई भी हॉस्पिटल कुछ होता नहीं है, लगा बगा तो भी ठीक बात है। हम लोग किसको पूछते हैं मजदूर को, पिताजी नहीं लिखते, नहीं अभी वो गुजर गए, क्या हो गया, कुछ नहीं, गांव को गांव गए थे, दुखार आया दो दिन, कुछ हुआ नहीं और बाकी तो कोई तकलीफ ही नहीं थी, दो दिन में चले गए। क्यों नहीं कि उनकी एक नेचुरल एज उनकी पूरी हो गई और भगवान ने बुला लिया, कोई हॉस्पिटल नहीं कुछ नहीं, बुखार वो सामान्य है, कोई भगवान बाना तो करता है ना किसी को भी कुछ भी चीज़ देने के लिए, किसी को भी निमित्त बनाता है, किसको रोड के एक्सीडेंट पे निमित्त बनाता है, अभी गांव पूरा चले गए हमारे को दुख है, पूरा गांव चला गया हमारे को तो दुख होता है, बेचारे छोटे छोटे बच्चे, पर जितना एक ईश्वर को जिस भी जैसे भी लेने का होएगा, वो सृष्टि के सामने हम सब लाचार हैं। अभी ये पैर है, और ऊपर चला जाए, और ऊपर जितना ऊपर, पहला तो यही लेने का, आपको कुछ भी नहीं करना है, झुकना फुकना कुछ भी नहीं, जब एक खींचे नहीं तब झुकने की बात है। किसी को भी बोलते हैं बिल्कुल, और ऊंचा, और ऊंचा, और ऊंचा, कितना भी ऊंचा, जितना ही पैर ऊंचा रहेगा ये हटके ये लूज हो जाएगा। होता क्या है कि सारा दिन एक ही जगह बैठने से ये हड्डी और ये हड्डी इसके बीच का मसल्स है, वो फंक्शन जैसा कम कर शुरू हो जाता है वैसा आपको दर्द शुरू होता है। अभी और किसको कुछ पूछने का है? बोलो। ये फेफड़े के लिए आप बोल दो, बोले। हाँ अभी ऐसा है दादा, ये जो मैंने बोला वो एक्सरसाइज तो सब कुछ आ गई, बाकी ड्यू टू एज भी आ गई, अभी आप ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे हाँ तो लंग्स और हार्ट को जो बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, सबसे पहले आपको भूखा नहीं रहना चाहिए, आपके मसल्स के हिसाब से आप फास्ट नहीं कर सकते बिल्कुल, जैन आप है? आप जैन हाँ। चौबीस यार नहीं कर पानी उठ के ऑन द स्पॉट नौकासी बौकासी नहीं ना हाँ। क्योंकि आप आपके मसल्स नहीं है, भले आपको बाकी कोई तकलीफ नहीं होगी पर क्या होएगा, जैसे स्टीफनेस होती जाएगी कभी भी पैरालिसिस आ सकता है। पैरालिसिस हाँ, आपको पानी बंद नहीं करना चाहिए, अभी मसल्स में इतना ग्रोथ कोई आने वाला नहीं है, ये अभी इतना कोई ग्रोथ आने वाला नहीं है, एज भी 70 क्रॉस कर चुके हैं, कितना 83 तो वही तो बोल दिया ना कि अभी आप क्रॉस कर चुके हो सब। हाँ 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 पर अभी कोई ग्रोथ नहीं आने वाली है, मेंटेन कैसे करना, तो सबसे पहले तो आपको जो खाना पीना है कंपल्सरी, आप थोड़ा 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 खा, मसल्स आपका बनना चाहिए, मसल्स बनना चाहिए हाँ। अभी मसल्स बनाने के लिए आप अगर खाना पीना, वो सब लोग बोलते हैं ना बड़ी उम्र में आदमी का खाना कम हो जाता है, सब लोग बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं कि हम मानते हैं खाना कम हो जाता है, कभी आपने सोचा है कि खाना क्यों नहीं, अभी मन भर गया, एक्चुअली बेसिकली मन नहीं भर गया, पर ये जो स्टमक के मसल्स है और उसके अंदर जो 12 ऑर्गन है उसके अंदर की कैपेसिटी कम होने की वजह से वो दब गया है, हमारा खाना कम जाता है, वही हमारी एज का एक
84 का आप मजूर देखेंगे, सिंगल है, फिर भी उसका खाना आपसे चार गुना होएगा। हजम होने के लिए मेहनत करना जरूरी है ना। और दूसरा क्या है कि आपको घी बहुत कम खाना चाहिए। घी ज्यादा खाते हो? घी तेल नहीं, क्योंकि घी से आपका कप बढ़ेगा। अभी आप यंग एज में आते तो कुछ बना सकते थे, अभी ये एज में तो आपको मेंटेन करना है। वजन अभी तो आप खाली एक्सरसाइज आस्ते आस्ते चालू रखो, उससे लंग्स खुलना चाहिए। वजन बढ़ा के नहीं बढ़ा वो सेकेंडरी है, और अगर वजन बढ़ाने का है तो मैं एक आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, अगर आप कर सको तो। एकदम सिंपल थियरी है, जौ का आटा आता है, 1 किलो जौ का आटा, 1 किलो सब ड्राई फ्रूट, सब ड्राई फ्रूट, बादाम पाँच किलो बादाम, काजू, अखरोट और पिस्ता पाव किलो, और उसके अंदर आपको इलायची जितनी डालने का है वो आपका इलायची जो 10-15 ग्राम 20-25 ग्राम से इलायची काढ़ा 25 ग्राम, और उसके साथ में जब पहले आप आटा सेको, पहले घी नहीं डालने का है, आटे को ड्राबा बोलते हैं गुजराती मारवाड़ी में, वो दूध से ऐसे करके उसको छान देने का, छाननी से सेक के, जैसे सेक गया बाद में इसके अंदर आपको 150 ग्राम से ज़्यादा घी नहीं लेने का है। जी गाय का घी लो 150 ग्राम, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। वो सब मिला लिया, बाद में गैस को बंद करो, गैस को बंद करने के बाद में उसमें खाली पीसी हुई 200 ग्राम शक्कर, उससे ज़्यादा शक्कर नहीं आनी चाहिए, वो लेके रोज सुबह 50 ग्राम लिया करो नाश्ते में, तो उससे आपका सारे मसल्स में ताकत आ जाए। 3-4 महीने में आप सब पैरों में आप बोलेंगे कि जीव आ गया, ये आ गया, ये आ गया, वो, पर किस तरह से, इस तरह से, यही आप पूरा घी में आटा सेकोगे तो जो चल रहे हो वो भी चलना बंद हो जाएगा। तो सब नस वगैरह दिख रहे हैं? नहीं, वो सब आस्ते आस्ते आ जाएगा, 1-1.5-2 साल के अंदर, 1.5-2 साल में सारे मसल्स आ जाएंगे, कईयों का देखा है मैंने, और मैं ये एकदम 100% जौ का आटे से हर एक आदमी बोलता है कि थोड़ा 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 कर, क्योंकि हमारे पास तो जितने भी आते हैं ये जो 60 के ऊपर वाले ही रहते हैं, पर जो घी की मात्रा है ये एकदम कम होनी चाहिए। आप जितना ज़्यादा घी खाओगे कब होएगा तो और ज़्यादा लंग्स आपका फंक्शन करना भी होएगा, जैसा कम होएगा वैसा ऑक्सीजन कम होएगा, जैसा ऑक्सीजन कम होएगा फंक्शन से कोड़ेगा। तो मेन तो शरीर में घी तेल की मात्रा आपको कम कर लेना चाहिए। अभी इस एज में हम 40 क्रॉस कर गए हैं और शारीरिक कुछ मेहनत नहीं है, तो ज़्यादा में ज़्यादा लुब्रिकेट के लिए 15 ग्राम से ज़्यादा घी और तेल दोनों मिला। तेल कितना होना चाहिए कि कितना भी आप सब्जी बनाओ वो राई जीरो छोंकने के लिए ज़रूरी है, बाकी कुछ भी तेल की। अभी सब लोग जैसे पैरों में सूजन हो, बहुत ज़्यादा ओवर वेट हो, हर एक लोग बोलते हैं चलो तो वजन कम होएगा, फंडामेंटली उसका वजन कम नहीं होता और ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि उसके मसल्स और ज़्यादा दब रहे हैं। तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा मोटा आदमी है उसको चलना नहीं चाहिए, फ्री एंड घर पे एक्सरसाइज करना चाहिए, पहले तो सूजन उतारना सोचना चाहिए। और कुछ है? बस 2 मिनट हुए, हाँ आप पूछो कुछ पूछ। थैंक यू। हाँ जो झुक जाता है आदमी, हाँ अभी वो उसके लिए तो पट्टे हैं, बेल्ट है, वही बाकी कुछ भी नहीं रास्ता। ये पोस्चर सुधारने की एज है 55-60 तक, 60 तक का तक तो हम लेके आ सकते हैं, उसके बाद के अनलिमिटेड टाइम ड्यूरेशन खोलना करना, और एक एक्सरसाइज ज़्यादा बताएंगे और ज़्यादा खींच जाता है तो मसल्स फुल हो जाते हैं। जो अभी जो बैठने का पोजीशन अभी सोफा हो गया सब, वही धरती हो गया वो रॉन्ग, वही
नहीं वो अभी ऐसा है ना और सिटिंग में जितना हो सके इतना पैर खुला करके बैठो ये बात खुला और पैर ऐसे अंदर नहीं डालने का हो सके इतना आप अभी चलो ऑफिस में बैठे तो ऐसे बैठो और घर पे बैठे तो पैर ऐसे खुला रखो स्पाइनल कॉर्ड जो है हाँ सब बोलते हैं स्ट्रेट रखने का स्ट्रेट अभी रह नहीं सकती ना दादा मसल पकड़ के रखते हैं दादा उसको पकड़ते ही खाली मसल्स है ना अभी मसल्स में ताकत नहीं है तो क्या पकड़ेगा सपोर्ट के लिए बेल्ट है बाकी कुछ नहीं 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 वो चलो वो उनके हिसाब से राइट है पर दादा जब देखने को जाए तो वो भी इतना ही सफर करते हैं जो रिपेयरिंग करने को जो आते हैं अभी मैं किसके बारे में बोलता नहीं मेरे पास तो हर टाइप के हर लोग आते हैं और मैं किससे जिद के आर्ग्यूमेंट इवन ऑन अनलिमिटेड डॉक्टर सब कुछ आते हैं तब उसको बोलते हैं देखो ये बेसिक फंडामेंटल ये है नियम अभी आप बोल रहे हो जो भी बोल रहे हो आप सत्य है यहाँ आर्ग्यूमेंट का कोई सब्जेक्ट ही नहीं और अभी देखो अभी कई लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन ये है अभी जिसके हिप्स में ताकत नहीं है और अगर वो पलाठी मारा तो और ज़्यादा नर्व्स खत्म हो जाएगा और घुटनों का तकलीफ आएगा तो आपकी जितनी भी एक्सरसाइज है कि बैठने का ये है वो आपके मसल्स कैसा है उसके ऊपर ही डिसाइड किया जाता है बाकी अदरवाइज नहीं अभी हम लोग देखिए अभी बैठे हैं कुछ नहीं अभी उठने की तरीका ऐसा है नीचे से ये अगर आप उठ सकते हो तो आपको कोई तकलीफ नहीं है और यही अगर आप ऐसे करके उठ रहे हो तो और ज़्यादा घुटने ये सब मोड़ के और ख़त्म करोगे आप ये सब लोग नहीं उठा जाता है तो भी जबरदस्ती है करके उठे भी तो उसको नीचे नहीं बैठना चाहिए जो आदमी ऐसे करके फटाक नीचे ऐसे उठ जाता है उसको बैठो कौन सी भी एज में बैठो ना नीचे ऐसा कुछ नहीं है सेम है पलाठी नहीं पलाठी अभी नहीं मसल्स जिसका नहीं हो हिप्स का उसको पलाठी नहीं मारे तो नीचे से सब बच जाएगा नहीं तो आस्ते आस्ते सूख जाएगा और पैर रात को ठंडे हो जाएंगे तो पैर ठंडे होने का बचने का तो एक ही रास्ता है रात को सिकुड़ती है टूटते हैं पैर में बोलते हैं ना बाइटा आता है वो आता है जो भी भाषा में जैसे ये सब चीज से बचने का है तो पलाठी पहले बंद कर दो जो ब्लड सर्कुलेशन जो कभी कोई कोई पोस्चर में ब्लड सर्कुलेशन